अपनी अगली क्वेरी को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ पंकज जुड़े हैं शेखपुरा से। नमस्कार पंकज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ, मेरा सवाल आईसीआई बैंक पे है, जो एक साल से होल्ड कर रहा हूँ 3-5 के रेट पे, 500 शेयर है, और उसमें 1-2 साल और रुकना चाहता हूँ। ठीक है। और एक नया शेयर में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैडम, जो बेहतर हो बता दीजिए, रिकमेंड करिए। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं मिस्टर क्याल। इनका सवाल सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक पर है, जहां पर इन्होंने खरीदारी की हुई है 325 के परचेजिंग प्राइस के साथ। इनके पास 500 शेयर्स हैं, तो फिलहाल काफी नुकसान है। जो हमने डाउनफॉल देखा था पूरे बैंकिंग स्पेस में, उसका एक शिकार आईसीआईसीआई बैंक जरूर था, इवन दो ये दिग्गज बैंक है। लेकिन आगे जाते हुए अगर 1-2 साल का नजरिया हो, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या करंट लेवल्स पर आप एवरेजिंग करने की भी सलाह इनको दे सकते हैं? और सेकेंडली, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप इनको टॉपिक बता सकते हैं? देखिए साक्षी, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में कुछ पॉजिटिव रुझान होता नजर आया है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये एक रेंज में, एक सीमित दायरे में ही काम कर रहा है, लेकिन जैसे कि आपने बताया, इनका नज़रिया करीबन 1-2 साल का है, तो मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही इकोनॉमिक सुधार आएगा, वैसे बैंकिंग स्पेस में प्राइवेट बैंक्स को डेफिनेटली फायदा होगा, और आईसीआईसीआई बैंक में फिर से ये अपना जो बाइंग लेवल है वो देख पाएंगे, तो होल्ड करने की ही राय होगी। लेकिन एक स्टॉप के साथ इन्हें काम करना होगा, जो अराउंड नीचे में एक लो बनाया था 29 फेब को, वो लो था करीबन 180 के आसपास का, वो 180 का एक स्टॉप रख के रखिए इस स्टॉक के अंदर, और उसके नीचे आता है तो एग्जिट कर जाइए। और जो बाइंग में रिकमेंड करूंगा, जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसमें ये बाय कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक बात की थी पीवीआर की, वो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, उसमें बाइंग किया जा सकता है। या दूसरे जो स्टॉक्स है जिसमें बाइंग किया जा सकता है, उसमें से एक अशोक लेलैंड है, थोड़ी वीकनेस देखने मिली है हाल में, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से 2 साल के नजरिए से वो स्टॉक काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो ये 2 स्टॉक टॉप पिक्स में है हमारे जी। हमारे साथ एक और दर्शक, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन एक बार डीएलएफ के ऊपर नजर डालते हैं। दिन के निचले स्तरों पर डीएलएफ कामकाज कर रहा है, एकाएक बिकवाली, और दिन के निचले स्तरों पर डीएलएफ कामकाज करते हुए 154 के स्तरों पर आ चुका है, 153-30 का लो इसने अभी भी बनाया है। हमारे साथ कुमार है मुंबई से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल आपका? पूछिए सर। मेरे पास पराज इंडस्ट्री है 500 शेयर्स, ओके, एट द रेट ऑफ 102। ओके, तो अभी तो क्या स्टॉप लॉस लगाना है या होल्ड रखना है? मैं 6 महीने तक होल्ड रख सकता हूँ। आप प्राज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर, यस। चलिए, विजन का सवाल, प्राज इंडस्ट्रीज पर 102 रुपए के भाव पे खरीदारी है, मोर लेस उसी रेंज के आसपास ये शेयर कामकाज भी कर रहा है। आपकी राय कहती है क्या करें? शुगर में जिस तरह का मोमेंटम है, उसके बाद प्राज भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा, आपकी राय प्राज पर? मुझे लगता है जिस तरीके से जो पोल्यूशन के नॉर्म्स आ रहे हैं, तो उसके चलते हुए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, वो कहीं ना कहीं इसका इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रबल होने वाली आने वाले समय में। और प्राज इंडस्ट्रीज जिस सेगमेंट में है, तो मुझे लगता है कि इसको फ़ायदा पहुंचेगा। नो डाउट शुगर सेक्टर की तेज़ी से इसको भी फ़ायदा पहुंचता है। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं होते इसमें, बट मैं कहूँगा फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो इसको आप होल्ड करके रखिए। थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, मुझे लगता है 125-130 का स्तर इसमें देखा जाता है जी। अगर आप पेशेंस के साथ बने रहेंगे, 130 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, और अब वक्त हो चला है जानने का कि एक्सपर्ट्स कहाँ पर दाव लगा रहे हैं। आपको बताते हैं इस खास सेगमेंट में पोजिशनल कॉल्स, यानी कि इंट्राडे नहीं लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप कहाँ पर निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। आशीष, शुरुआत आपके साथ करते हैं। 2 ऐसी पिक्स बताइए जहां पर निवेशक निवेश कर सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए, यानी कि 1-2 महीने के नजरिए से अगर वो निवेश करते हैं तो उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए साक्षी, अभी का जो मार्केट का दौर है वो एक रेंज बाउंड में है, इसलिए मैं 2 कॉल जो बता रहा हूँ उसमें से एक बाय है और एक सेल में है, जो करीबन होल्ड कर सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो जो निवेश कर सकते हैं उसमें से ग्लेनमार्क है। ओवरऑल फार्मा स्पेस में जब भी मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या वीक लगता है, तो फार्मा स्पेस आउट परफॉर्म करने लगता है, और ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर में, करीबन 885 तक जाने का। तो राय ये होगी कि ग्लेनमार्क बाय किया जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा वो 797 का होगा, और जो टारगेट लेवल निकल के आता है वो 885 का है इस स्टॉक के अंदर। और दूसरा जो स्टॉक है जिसपे मैं सेल रिकमेंड करना चाहूँगा करीबन थोड़े हफ्तों के नज़रिए से, वो है इंफ्राटेल। ये एक काउंटर है जिसने करीबन 500 के आसपास हाई बनाया था, और अभी भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर निचला स्तर देखा जा सकता है करीबन 300-315 के आसपास का, तो इसे बेचा जा सकता है। स्टॉप लॉस ऊपर में लगा के रखना होगा 364 का, और 315 का टारगेट इसमें देख सकते हैं जी।
तो भारतीय इंफ्राटेल ने बिकवाली किराया, हालांकि थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन आप बिकवाली कर सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल में। उसके अलावा आपको ग्लेनमार्क डिफेंसिव स्पेस में खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है फार्मा के लिए। विजय, आपकी तरफ से कोई दो शेयर जहां पे आप पोजिशनली खरीदारी या बिकवाली किराया देंगे? मैं भी फार्मा स्पेस से कुछ दो रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। कारण ये है कि काफ़ी डिफेंसिव है और मार्केट जब डायरेक्शन ढूंढ रहे होते हैं तो बेटर होता है कि आप डिफेंसिव्स में रहें। तो पहली कॉल मेरी होगी कैडिला। इसमें एक आज भी अच्छा मूव देखा है, देखा गया है, करीब 352-353 पे ये ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कोई इसमें पोजिशनल पोजिशन ले तो करीब 370 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा ओरो फार्मा, जो करीब करीब 775-776 पे भी ट्रेड कर रहा है। इसको 790-795 के लिए बाई किया जा सकता है। तो दोनों ही फार्मा स्टॉक्स हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं और काफ़ी करेक्शन के बाद इसमें अप मूव देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली अच्छे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं जी। चलिए, तो दोनों ही शेयर्स आपको बताए गए हैं, और फार्मा पर भी आप निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ कैडिला हेल्थ केयर पर भी आप निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं। अगले सवाल के लिए हमारे साथ अंकित जुड़े हैं ग्वालियर से। नमस्कार अंकित जी। हाँ मैडम नमस्ते जी, बताइए अपना सवाल है। मेरा यूनिटेक पे सवाल है मैडम, 7.10 रुपए पे खरीद था, तो मैंने 3,000 शेयर। किस भाव पर खरीदे थे आपने? 7 रुपीज 7.10 रुपए पे। ठीक है, 3,000 शेयर, 3,000 शेयर लिए थे। और आपका नजरिया क्या है, आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया ये? दो महीने के लिए आपने यहाँ पर लिया है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर क्याल, यूनिटेक 7.10 रुपीज पर इन्होंने 3,000 शेयर्स लिए हैं, फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं। छोटी अवधि का नजरिया है, 2 महीने के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खरीदा है, तो क्या सलाह देंगे आप इनको? साक्षी देखिए, ये यूनिटेक ने एक लो बनाया था करीबन 3.80 रुपए के आसपास, उसके बाद से ये हाई बना चुका है 7.40 रुपया। इनकी जो खरीदी है वो काफ़ी सस्टेन्ड अप मूव आने के बाद है। अगर देखा जाए परसेंटेज टर्म्स में तो क्लियरली अराउंड 80% की रैली हो चुकी है और फिर इन्होंने खरीदा है। ये स्टॉक का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो इसलिए राय यही होगी कि अगर इनके कॉस्ट के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें रिवर्सल या रिट्रेसमेंट चालू होगा तो क्लियरली 50% रिट्रेसमेंट भी होता है तो इनका काफ़ी वैल्यू इरोड हो जाएगा। तो राय यही होगी कि यहाँ से जैसी कॉस्ट पर आता है वहाँ पर एग्जिट कर जाइए स्टॉक के अंदर से। जी, तो यूनिटेक पे आपने बातचीत सुनी है, उसके साथ साथ अगर रियल्टी की बात हुई तो ओबेरॉय रियल्टी को भी एक बार देख सकते हैं। एक स्पाइक यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है, सडन स्पाइक के साथ डे हाई पर ओबेरॉय रियल्टी कामकाज कर रहा है। रादर्स में एक ब्लॉक डील भी हुई है, 10 लाख शेयरों का एक सौदा हुआ है और सौदे के बाद एकाएक बाइंग आई है ओबेरॉय रियल्टी में। आप देख पा रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। और एक बार इस SBBJ यानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर पर नजर डालिए, वहां पर भी एकाएक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है, एक तेजी के साथ इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। अभी भी 4% का मूव आया है और डे हाई पर SBBJ का शेयर कामकाज करते हुए सडन स्पाइक यहां पर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब सोनिल रस्तोगी हैं मुरादाबाद से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास शिल्पी केबल है, 3,000 शेयर एट एन एवरेज बाय ऑफ 65 रुपीज। ओके, और टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप इसमें? सर 2.5 साल से रखा हुआ है और आगे रख लेंगे। चलिए, 3 गुना हो चुका है आपका वैसे ही मुनाफा, जो आपकी कॉस्ट थी वो, तो अच्छा निवेश है आपका, इसको बचा के जरूर रखिएगा। विजयन का सवाल शिल्पी केबल पर है, 3,000 शेयर है, 65 के भाव पे खरीदारी की, पेशेंस से बने हुए अपनी पोजीशन के अंदर, तो पेशेंटली रिटर्न में काफी साउंड आ रहा है, आपकी राय कहती है शेयर पे? बहुत अच्छा आप मूव दिखाया है स्टॉक ने और रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, संभवतः ये आपको 200 के पार जाता दिखेगा। मगर मैं कहूँगा कि अगर फंडामेंटली कहीं दिक्कत नहीं है स्टॉक में, कहीं गिरावट नज़र नहीं आती, पैनिक नज़र नहीं आता, मगर बड़ी क्वांटिटी है, 3,000 शेयर हैं, तो मैं कहूँगा कि लगभग आधे का प्रॉफिट बुक करा जा सकता है करीब 200 के स्तर पे, और उसमें बाकी में बने रहें और कहीं और आप निवेश करें और अपना पोर्टफोलियो को डीरिस्क करें और थोड़ा सा दूसरे सेक्टर्स में भी आप निवेश करें, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं कहूँगा बने रहें इसमें और 200 के आसपास आधे में एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करें। जी चलिए, तो बने रहने की फिलहाल आपको सलाह दी गई है, 200 रुपए के भाव पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल वर्मा है हिमाचल प्रदेश से। नमस्कार विशाल जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पास इन्वेस्टमेंट के 200 शेयर है 390 के भाव पे। ऑलराइट, और आपका नजरिया क्या है, फिलहाल तो आपको नुकसान हो रहा है? मैं 5 से 6 महीने तक बने रह सकता हूँ।
ठीक है, 6 महीने तक का नजरिया है। मिस्टर केयाल, आईनॉक्स विंड पर क्या सलाह देंगे? इनके लिए काफी कंसर्न है क्योंकि 241 पर करंट प्राइस आ गया, इनके खरीद भाव जो है 390 का है, तो करंटली इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? 6 महीने तक ये रुक सकते हैं यहाँ पर। साक्षी देखिए, जो भी निवेशकों ने इस स्टॉक में पैसा डाला है उन्होंने पैसा गंवाया ही है, क्योंकि ये स्टॉक करीबन 500 के आसपास था आज से साल भर डेढ़ साल पहले, और अभी भी कोई राहत देखी नहीं जा रही है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो राय यही होगी कि यहाँ से थोड़ा भी कोई पुलबैक अगर इन्हें मिलता है 270-280 के आसपास तो वहाँ पर एग्जिट कर जाइए। इससे बेहतरीन स्टॉक है जो अवेलेबल, जो आउट परफॉर्मिंग है उसमें निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक में निवेश करके ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते जी। लेकिन आज इसमें एक अच्छी खबर भी है, खबर यह कि पावर एक्ट के अंदर बदलाव हो रहा है। अगर बदलाव होता है तो रिन्यूएबल एनर्जी को करीब करीब 15% शामिल करना होगा थर्मल पावर कंपनीज को, तो ये एक अच्छी खबर सभी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों के लिए एक अच्छी खबर है, तो इसलिए उनमें उछाल भी है। कंपनियों में भी जोरदार तेजी है, सुजलॉन भी 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और आईनॉक्स भी करीब 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहन है, बेंगलुरु से मौजूद है। रोहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार रोहन जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मैंने सिंडिकेट बैंक खरीदा है, आज ही खरीदा है 76.7 एक मंथ के ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि टारगेट्स क्या होंगे और या सही ट्रेड किया है या नहीं। आपने हाल फिलहाल में खरीदारी की है? आज ही किया है 76.7 पे। विजय, इनका सवाल सिंडिकेट बैंक पे, दो इनका ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से शेयर है, लेकिन अदरवाइज क्योंकि बैंकिंग में ऑलरेडी बड़ा रन अप आ चुका है लोअर लेवल से, आपको क्या लगता है सिंडिकेट में अभी भी स्टीम बाकी है? ठीक है, रिजल्ट सीजन पे हम बैठे हैं सुमित, और सरप्राइजेज आ सकते हैं जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। मैं कहूँगा कि इनको अगर थोड़ी सी रैली मिलती है, 80-82 का स्तर मिलता है तो एक बार को बाहर आइए, क्योंकि और अगर आपको निवेश ही करना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो मैं कहूँगा टॉप रंग बैंक्स में करिए, कैनरा में, PNB में, SBI में, रादर दैन बैंक ऑफ बड़ौदा में, रादर दैन सिंडिकेट बैंक में, जहाँ पर मुझे लगता है रनअप ज़्यादा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सस्टेंड होगा। तो सिंडिकेट में मैं यही कहूंगा किसी तेजी में बाहर आइए और 80 के लगभग प्रॉफिट बुक करिए।